आज 6 अप्रैल ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि, जो भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज हमने यहाँ ताऊ देवीलाल पार्क में ताऊ को सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद हवन किया है। और आज जो ये दुनिया में महामारी चल रही है कोरोना, इसका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। और क्या कहेंगे, उनकी जीवन शैली कैसी रही है? ताऊ जी देवीलाल जी को तो सभी जानते हैं और विपक्षी वाले भी उनकी प्रशंसा करते हैं। ताऊ देवीलाल जी ने जो बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये से शुरू की थी, आज वो बढ़ के लगभग 2500 रुपये करीब होगी। और ताऊ देवीलाल जी के तो अनेक कार्य हैं जिन्होंने विपक्ष वाले भी सराहना करते हैं, वो एक बहुत महान आदमी। देखिए, ये आज हमारे हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और हरियाणा के जनक चौधरी देवीलाल जी की हमने पुण्यतिथि मनाई है और उन्हीं की याद में आज ये पुष्प अर्पित किए हैं और हमने कोरोना का, उनकी याद में कोरोना का फ्री वैक्सीन का शिविर लगाया है। क्या कहेंगे, उनकी जीवन शैली कैसी रही, किस तरह से कार्य किए? देखिए, देवीलाल जी एक हिंदुस्तान स्तर के बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने अपने जीवन काल में इतने अधिक अच्छे कार्य किए कि मैं उनकी क्या कहूँ। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वृद्ध पेंशन है, जो आज बुजुर्गों का मान सम्मान आज 2500 रुपये मिल रहा है, वो चौधरी देवीलाल जी की देन है। आज किस तरह से कार्यक्रम, हवन यज्ञ किया है सुबह? आज हमने हवन यज्ञ किया है उनके पुण्यतिथि के, भगवान उन्हें स्वर्ग में अपने चरणों में स्थान दे और उनके जो मार्ग दिखाए हो रहे हैं उस पर हम चलें।